जन्माष्टमी के मौके पर देश के अंदर में लगभग 25,000 करोड़ का कारोबार हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इसको यहाँ पे गेट ने कंफर्म किया है कि जन्माष्टमी के दौरान पूरे देश में 25,000 करोड़ का कारोबार हुआ है, जो कि जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हुआ है, जो कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी एक काफी बड़ा खबर है देखा जाए तो। भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर यहाँ पे मथुरा के अंदर में 108 नहीं बल्कि 1008 कमल पुष्प का जो है आचरण चढ़ाया गया है, और जिसका आप लोग जो है तस्वीर भी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इसको काफी धूमधाम से पूरे ही देश में मनाया जा रहा है आज के समय में देखा जाए तो। दोस्तों जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर यहाँ पे सबसे बड़ा जो खबर निकल कर आ रहा है यहाँ पे टाटा ग्रुप से आ रहा है। टाटा ग्रुप ने यहाँ पे 4,000 नए नौकरी जो है महिलाओं के लिए प्रदान किया है, निकाला है, जो कि उत्तराखंड में बेसिकली होने वाला है। और यहाँ पे कहीं न कहीं टाटा ग्रुप जो है अब महिलाओं को रोजगार देने पर भी जोरों शोरों से ध्यान दिया जा रहा है टाटा ग्रुप के द्वारा, और इसका जो है आने वाले समय में हमको परिणाम भी देखने को मिलेगा और हजारों नए नौकरी जो है आपको देखने को मिलेगा, जो केवल और केवल महिलाओं के लिए रिजर्व होगा टाटा ग्रुप के अंदर में। दोस्तों अगला यहां पे सबसे बड़ा खबर निकल के आ रहा है सोच टाइम्स के अंदर में। यहां पे प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ बातचीत किया। बातचीत के दौरान दोनों ही नेताओं ने यहां पे यूक्रेन, उसी के साथ साथ बांग्लादेश में चल रही समस्याओं के बारे में भी जिक्र किया, और साथ साथ बांग्लादेश और यहां पे यूक्रेन के संकट को किस तरीके से खत्म किया जाए इस पर भी यहां पे दोनों ही देश के बीच में बातचीत देखने को मिला है। अगला सबसे बड़ा खबर निकल के आ रहा है यहाँ पे भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन को लेकर। कल प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ ही बातचीत किया। वहाँ पर भी यहाँ पे यूक्रेन मुद्दा को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बात किया गया, किस तरीके से यूक्रेन संकट को खत्म किया जाए अब दुनिया के अंदर में। आप लोग जानते होंगे रिसेंटली पीएम मोदी जो है यूक्रेन की यात्रा पर गए थे, और यात्रा से आने के बाद यहाँ पे भारत कहीं ना कहीं अब ये चाह रहा है कि इस युद्ध को खत्म किया जाए, और इसमें भारत जो है अपना योगदान भी देना चाहता है। इसके लिए दुनिया के ताकतवर देशों सबके साथ भी भारत जो है बातचीत करना शुरू कर चुका है इस मुद्दे पर। दोस्तों यहाँ पे अगला जो न्यूज निकल के आ रहा है यहाँ पे जो है कोलकाता जो रेप केस हुआ था उससे जुड़ा हुआ। यहाँ पे कोलकाता में जो टास्क फोर्स बनाया गया था डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए, अब उसे पूरे देश में लागू किया जाएगा, जहाँ पे डॉक्टरों को सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे जो आरोपी था उसका पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया, जहाँ पे जो कोलकाता का जो आरोपी था रेप वाला उसने इस जुर्म को कबूल किया है, और अब आने वाले समय में उस पर जो है प्रक्रिया जो है आगे सजा का चालू किया जाएगा देखा जाए तो। अगला यहाँ पे खबर निकल कर आ रहा है गुजरात से। गुजरात में भारी बारिश होने के कारण से गुजरात में जितने भी प्राथमिक स्कूल हैं उसको 27 अगस्त को बंद किया जाएगा, और यहाँ पे जो है समस्या काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इसी कारण से गुजरात के जो है मंत्री जो है बात करें जो सीएम है वो बैठक भी बुला रहे हैं, जहाँ पे वो इस समस्या से निपटने के लिए जो है एक नए टास्क फोर्स को भी संगठित करेंगे, जो कि इस समस्या को कम करने में पूरे राज्य को मदद करेगा। दोस्तों अगला खबर निकल के आ रहा है जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव को लेकर, जहां पे इंडिया गठबंधन ने यहां पे सीट शेयरिंग को लेकर जो है ऐलान कर दिया, जहां पे नेशनल कांग्रेस का जो है 51 सीट होने वाला और कांग्रेस का जो है 32 सीट होने वाला है। और यहां पे मैं आपको बता दूं दोनों ही जो है एक गठबंधन के तहत इंडिया अलायंस के तहत यहाँ पे कश्मीर में भी चुनाव होने वाला है। और मैं आपको बता दूँ रिसेंटली इंडिया अलायंस इतना सफल हुआ है कि अब पूरे ही देश में जहाँ भी चुनाव होता है इस अलायंस का जो है यूज किया जाता है जहाँ पे चुनाव जीतने के लिए। दोस्तों अगला खबर निकल के आ रहा है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से। लद्दाख के अंदर में 5 नए जिलों को बनाया जाएगा। इससे पहले लद्दाख में 2 जिला हुआ करता था, लेकिन और अब 5 नया जिला बनेगा, उसके बाद लद्दाख में टोटल जो है जिला 7 हो जाएगा। और यहां पे कहीं ना कहीं जो है लद्दाख के अंदर में भी आपको जल्द ही इलेक्शन देखने को मिल सकता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता दूं सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे
अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पर हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे शो टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे शो टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो, या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करिएगा, आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें।